सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे आलू चना पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चले अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। आलू चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया, ऑयल गर्म हो चुका हुआ है। सबसे पहले इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज एक मैंने लार्ज साइज का लिया, उसको स्लाइस में काट लिए। पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। साथ हरी मिर्ची मैंने कूट ली है। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर रहे थे। साथ ही हम जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही इसके साथ मैंने हरी मिर्चों को भी कूट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 5 से 6 जगह मैंने लहसुन के लिए, 3 अदद हरी मिर्ची हैं और एक स्मॉल साइज का अदरक का टुकड़ा था। और अदरक को मैंने छिलके समेत कूट लिया है। अगर आप हरी मिर्ची इस तरह कूट के डालें, कुंडी में कूट लें या चॉपर में चॉप कर लें, इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा आलू चना पुलाव का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। जैसे अच्छे से ब्राउन हो जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्ची, फिर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, कलर भी चेंज हो गया। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, हाफ कप तकरीबन। और पानी शामिल करने के बाद कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर दिया था। अब स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 तेज़पात शामिल करेंगे, 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्च, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 अदद बादियान का फूल, 1 अदद मोटी इलायची, 2 अदद हरी इलायची और 5 से 6 अदद लौंग। साथ ही हम 2 टीस्पून भर के जीरा ऐड करेंगे। जब भी हम किसी भी किस्म का पुलाव बनाते हैं, उसमें ज़ीरा ज़्यादा मिकदार में शामिल करें। दो टीस्पून साबुत धनिया, 2 साबुत धनिया ऐड कर दिया, बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसको हम दादर मिर्च भी कहते हैं, और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे। आलू ऐड कर देंगे, 400 ग्राम मैंने आलू लिए और बारीक बारीक मैंने काट लिए इस शेप में। लास्ट में हम चने ऐड करेंगे, उबले हुए चने बॉइल्ड 1 प्याली। अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह से भूनने के बाद हम चावल ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर दिया था, ताकि आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब पानी शामिल करेंगे, 2 ग्लास। 600 ग्राम मैंने चावल लिए। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब कवर कर देंगे, जैसे ही उबाल आएगा फिर चावल ऐड करेंगे। पानी में उबाल आ चुका होगा, अब चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
जैसे ही ये हाफ डन हो जाएंगे, लंबा कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। स्टार्ट में हमने इसलिए नहीं शामिल किया ताकि अदरक क्रंची क्रंची हमारा अदरक लगे। अब कवर कर देंगे। चावलों को हम मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। चावल तकरीबन हमारे हाफ कप हो चुके हैं। अब इसमें लास्ट में हम लंबा लंबा अदरक शामिल करेंगे कटा हुआ, साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही पानी थोड़ा चावलों का ड्राई होता है फिर हम दम लगाएंगे। अदरक डालने के बाद कवर कर दिया था, पानी तकरीबन हमारा खुशक हो चुका होगा। अब लास्ट में हम दम लगाएंगे, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा चावलों का। फूड कलर हम 1/4 teaspoon ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। अब हम कवर कर देंगे और दम लगाएंगे 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर। आलू चना पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर दिया था। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार आलू चना पुलाव तैयार है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।